लोकल ट्रेनों की आवाजाही करने वालों की आसानी और स्टेशन को और सुविधाजनक बनाने के लिए मुंबई के 20 स्टेशन का कायापलट होने वाला है। इन 20 स्टेशन पर 497 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिसंबर 2024 तक सभी स्टेशनों का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के 556 स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला रखेंगे। स्टेशनों के अलावा पूरे देश के करीब 1500 रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज का भी उद्घाटन होगा। अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत देश भर के 1309 रेलवे स्टेशनों को पुनर्निर्मित कर उन्हें विश्व स्तरीय टर्मिनलों में बदला जाएगा। मुंबई के स्टेशनों को मिलाकर महाराष्ट्र के 56 स्टेशनों को इस योजना में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र की परियोजनाओं के लिए 2274 करोड़ खर्च होंगे। इस साल के बजट में महाराष्ट्र को 15,554 करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन मिला है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के अलावा विधानसभा और मुंबई मनपा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में केंद्र सरकार स्टेशनों के पुनर्विकास पर बड़ी रकम खर्च कर लोगों को लुभाना चाहती है। मध्य रेलवे में आने वाले स्टेशन हैं भाईकला, सैंडहर्स्ट रोड, चिंचपोकली, वडाला रोड, माटुंगा, कुरला, विद्याविहार, मुम्ब्रा, दीवा, शहाड़, टिटवाला और इगतपुरी। पश्चिम रेलवे में आने वाले स्टेशन हैं मरीन लाइंस, चरनी रोड, ग्रैंड रोड, लोअर परेल, प्रभादेवी, जोगेश्वरी, मलाड और पालघर। देश भर में रोजाना करीब 3 करोड़ यात्री ट्रेनों से आवाजाही करते हैं। केवल मुंबई लोकल से ही 70 लाख लोगों का रोजाना आना जाना होता है। ऐसे में स्टेशन का कायापलट करना सरकार की प्राथमिकता है। भविष्य में वंदे भारत और हाई स्पीड ट्रेनें और चलने वाली हैं। इन प्रीमियम ट्रेनों का उपयोग करने वाले यात्रियों को वर्ल्ड क्लास स्टेशनों के मॉडल के तौर पर अमृत भारत स्टेशन का विकास किया जा रहा है। इन योजनाओं के साथ ये भी तय है कि भविष्य में ट्रेनों में सफर करने के लिए लोगों को ठीक ठाक रकम खर्च करनी पड़ेगी। इसी परिकल्पना के साथ रेलवे अमृत भारत स्टेशनों को तैयार कर रही है ताकि देश के विकास का सही मॉडल पेश किया जा सके। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।